हाय, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। के साथ बड़ी खबर आ रही है, आपको रूबरू करवाते हैं। बड़ी खबर रायपुर से है, अंतागढ़ टेप कांड को लेकर खबर है। वहीं एसआईटी की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। न्यायाधीश लीना अग्रवाल की कोर्ट ने जो है फैसला सुनाया है, इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से। और खबर रायपुर से, अंतागढ़ टेप कांड को लेकर फैसला आया, एसआईटी की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। न्यायाधीश लीना अग्रवाल की कोर्ट ने सुनवाया है फैसला, इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हेमंत भाषा जुड़ चुके हैं। हेमंत, क्या कुछ अपडेट्स मिल रहे हैं, फैसला आया है टेप कांड को लेकर, क्या चीजें निकल कर के आई सामने? देखिए जीना, बहुत बड़ा झटका एसआईटी के टीम को लगा है, क्योंकि जिस याचिका को यहाँ पर एसआईटी ने लगाया था, आरोपी जो चार आरोपी हैं टेप्पान मामले के, अमित जोगी, अजीत जोगी, मंजू नबौर और पुनीत गुप्ता, इन चारों आरोपियों को वाइस सिंपल लगाने के लिए यहाँ पर कोर्ट में यहाँ पर एसआईटी ने याचिका लगाई थी। और याचिका में देखा जाए तो कई दिनों तक ये सुनवाई हुई थी और आखिरकार आज इसमें फैसला आया है। न्यायाधीश नीला अग्रवाल ने एसआईटी की याचिका को एकदम सिरे से खारिज कर दिया और एक लाइन में ये लिखा है अपने आदेश में कि वाइस सैंपल लेने के लिए कोई आधार नहीं दिखता, इसलिए एसआईटी की याचिका को खारिज किया जाता है। तो एक तरीके से बड़ा झटका है, क्योंकि इससे पहले भी खुद एसआईटी ने नोटिस देकर तमाम आरोपियों को वाइस सैंपल के लिए बुलाया था, लेकिन वो बावजूद उसके नहीं पहुंचे। फिर इसके बाद जो एसआईटी है उनको कोर्ट की शरण लेनी पड़ी और कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी। हालांकि अब क्या रुख रहेगा एसआईटी का, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि इसमें देखा जाए तो चार आरोपी हैं, चार आरोपी से एक मंजू राम पवार, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही तमाम आरोप पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और अजीत जोगी पर लगाए थे और उन्होंने ये कोर्ट में सहमति भी दी थी कि वो वाइस सैंपल देना चाहते हैं, लेकिन तमाम जो बचाव पक्ष के वकील थे, चाहे वो मंजू राम पुनीत गुप्ता के हों, चाहे वो मंजू राम पवार के हों, सभी ने यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो आधार बनाने की कोशिश की और अंततः इस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जानकारी को साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे थे।